पर्यटक यहाँ फंसे हुए हैं, जिसमें बोध गया, राजगीर, नालंदा सहित कई स्थानों पर फंसे हुए थे। अश्माइल थाई इंटरनेशनल एयरवेज की विमान गया अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंची है। थाईलैंड सरकार ने भारत सरकार से मांगी थी मंजूरी। मंजूरी मिलने के बाद थाईलैंड के 129 पर्यटक आज बैंकॉक को लौट रहे हैं। इनके साथ लाओस के 5 पर्यटक भी बैंकॉक लौट रहे हैं। गया से बरखा के साथ विप्लव कुमार की रिपोर्ट। आज थाई इस्माइल की फ्लाइट गया से बैंकॉक जाएगी, जिसकी अनुमति डीजीसी से पिछले सप्ताह ही प्राप्त हुई थी। और इसमें 129 पैसेंजर्स थाई के हैं और 5 पैसेंजर्स लाओस के हैं, जिनका परमिशन भारत सरकार ने पिछले सप्ताह दिया था। और यहाँ पर सारे सोशल डिस्टेंसिंग और मेडिकल स्क्रीनिंग, साथ में बैगेजों का को डिसइनफेक्ट करके ही मतलब जहाज़ पे चढ़ाया जाएगा। और जो भी एयरलाइंस का जो प्रोटोकॉल्स होगा, लाइक उनको फॉलो किया जाएगा। जैसे उनको भी डिसइनफेक्ट करवा करके उनके मास्क वगैरह वहाँ उतारे जाएंगे जो अभी पहन के जा रहे हैं।